रायपुर के अभनपुर में शनिवार को चलती बस में आग लग गई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आग लगते ही बस यात्री दरवाजों की और खिड़कियों से जान बचाने के लिए कूदने लगे। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आग बस के सामने वाले हिस्से में आगे वाले हिस्से में लगी। धुआं बस के अंदर फैलते ही महिलाएं और दूसरे यात्री खिड़कियों से कूदने लगे। दरवाजे से भी लोग जान बचाने के लिए भागे। कई लोगों को धुएं की वजह से उल्टी भी होने लगी। बताया जा रहा है कि आग एसी पाइप फटने से लगी थी। आपको बता दें कि एसी की पाइप फटने के कारण आग लगी थी। ये भीषण आग की तस्वीरें अभनपुर की, जहां पर एसी बस में आग लगी। दरअसल एसी का पाइप फट गया और अचानक से आग लगी और देखते देखते इसने विकराल रूप ले लिया और जो यात्री इसमें सवार थे होड़ मच गई कि कैसे न कैसे करके वो बाहर निकले, अपने आप को सुरक्षित रख पाए। कोई गेट से निकलने का प्रयास करता रहा तो कोई खिड़कियों से कूदने का प्रयास करता रहा। ये तस्वीरें देखिए भीषण आग की, किस तरह से आग का गोला ये बस बन गई, पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ जल गया। ये धुएं का गुबार देखकर समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। पहली तस्वीर जिसमें लोग कूदते हुए निकलते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर जब बस आग का गोला बन गई। खबर दुर्ग से है, जहां जिला अस्पताल में खड़ी एक एम्बुलेंस में आग लग गई। आग लगने से एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। एम्बुलेंस में आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझी, गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। जगदलपुर से खबर है, अवैध खाद भंडारण पर कृषि विभाग का छापा पड़ा है। महाराष्ट्र से लाकर खपाने की कोशिश थी। घर में रखे खाद को विभाग ने जब्त कर लिया। अवैध परिवहन कर लाया गया था खाद। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बस्तर जिले के भानपुरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अवैध खाद भंडारण पर छापा मारा गया और यहां पर कार्रवाई की गई है। एक ट्रक खाद का लाया जा रहा था महाराष्ट्र से, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एक सूचना मिली थी कि अवैध रूप से, हमको पूर्व में भी एक सूचना मिली थी कि अवैध रूप से जगह जगह मतलब भंडारण करके बेचा जा रहा है खाद, लेकिन उस समय हम लोग वाहन को ट्रैक नहीं कर पाए थे। हमने मैदानी अधिकारियों को विशेष निर्देशित किया था कि तो जहाँ कहीं पर भी ऐसा रहता है तो वाहन को ट्रैक करके हमको तुरंत तत्काल सूचना के। आज ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आरपी शुक्ला के द्वारा हमको 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली, जिसमें हमने तत्काल लाकर उनको गाड़ी को ट्रैक करके यहाँ पर पुलिस के सपोर्ट में हमने कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे थे और लगभग कितना जब्त किए? ये बाकेल ग्राम में कुछ पिकअप में रखे हुए थे सामान, जिसमें 10-12 बैग कुछ वितरण कर चुके थे। जब मौके पर पहुंचे तो 12 से 20 बैग के आसपास वहां पर भंडारित था वाहन में, और उनके ही निशानदेही पे 86 बैग प्रोम नामक खाद जो पूजा कंपनी का है, उसका यहाँ पर अवैध रूप से भंडारण पाया गया है, जिसपे बालेंगा ग्राम। अब आपको प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल दिखाते हैं। तस्वीरें कोरिया जिला अस्पताल की पहले दिखाते हैं, जहां फर्श पर लिटाकर मरीजों को इलाज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं मरीज जमीन पर लेटा है, वहीं पास में नर्स और डॉक्टर खड़े हैं। आसपास कुर्सियां पड़ी हैं जिन पर दूसरे लोग खड़े हैं। एक व्यक्ति फर्श पर लेटे मरीज को उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं एक दूसरी तस्वीर में एक व्यक्ति फर्श पर बैठा है, वहीं पास में मरीज लेटा है। एमपी में प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय भी कर रहे हैं। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। एमपी अजब है, एमपी गजब है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों पर गौर करिए।
तस्वीरें निवाड़ी के पृथ्वीपुर की। हरे पत्तों का ताज पहने एक व्यक्ति बैठा है, सामने ठेला है और खाने पीने का सामान रखा है। जनाब का ही ठेला है, नाम है नाथुराम रेगवार। अब सवाल यह है कि पत्तों का ताज क्यों? जवाब खुद ही सुन लीजिए। अरे भाई 47-48 पर पारा जा रहा है, बैठना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इससे थोड़ा बहुत ठंडक मिलता है। कितना पारा जाता होगा, कितनी जोर से गर्मी पड़ती है? बहुत गर्मी है। कैसे थे आप भटिया में काम कर रहे हैं? इसीलिए तो ठंडक के लिए इस्तेमाल किया हूँ। इससे पत्ती से धूप नहीं लगती है? हाँ थोड़ा बहुत ठंडक रहता है, हवा चलती है तो राहत मिलता है। तो जनाब ने गर्मी से बचने का उपाय निकाला है। दरअसल पृथ्वीपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 47 से 48 डिग्री पर है। गर्मी से बचाव तो करना ही है, साथ ही व्यवसाय भी करना है। अब करें तो क्या करें, लिहाजा पत्तों का ताज ही पहन लिया है। नाथुराम रेगवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। निवाड़ी से न्यूज 18 के लिए हृदय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। बस्तर में झमाझम बारिश हुई तो वहीं बलरामपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बलौदाबाजार में भी मौसम का मिजाज बदला, यहां भी बारिश हुई। कोरिया में तेज आंधी के बाद बारिश हुई, बारिश होने से तापमान में गिरावट आई, लोगों को गर्मी उमस से राहत महसूस हुई। ये चार तस्वीरें आपके सामने। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।